एक जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया रहती थी। वह देखने में तो बड़ी ही विचित्र थी, क्योंकि उसके दो सिर थे। एक दिन की बात है, वह चिड़िया भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। उड़ते उड़ते एक स्थान पर चिड़िया के दाएं मुंह को एक फल दिखाई पड़ा। वह बहुत खुश हुई और फल को बड़े ही चाव से खाने लगी। फल देखकर बाएं मुंह में भी पानी आ गया। उसने दाएं मुंह से प्रार्थना की कि वह उसे भी फल चखने दे, किंतु दाएं मुंह ने उसे झिड़कते हुए कहा कि हम दोनों के पेट तो एक ही हैं, मेरे इस फल को खाने से हमारा पेट तो भर ही जाएगा, तुम्हें इसे खाने की क्या आवश्यकता है। उसकी बात सुनकर बाया मुंह गुस्से की आग में जल उठा और बदला लेने की ठान ली। अगले ही दिन फिर से चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में उड़ रही थी। इस बार बाएं मुंह को एक विचित्र फल दिखाई पड़ा और वह उसे खाने के लिए मचल उठी। जैसे ही वह फल खाने गई, पास ही के पेड़ पर बैठे एक कौवे ने कहा, वह फल अत्यंत विषैला है, उसे मत खाओ। कौवे की बात सुनकर दाया मुंह भी चौंक उठा। उसने भी बाएं मुंह को चिताया, किंतु बाया मुंह बदले की भावना से भरा हुआ था। उसे दाएं मुंह से एक दिन पहले का हिसाब जो लेना था, इसलिए उसने दाएं मुंह की बात अनसुनी कर दी और फल खाने लगी। बाएं मुंह के फल खाते ही चिड़िया की जान चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी में चिड़िया परिवार का प्रतीक है और दाया तथा बाया मुंह परिवार के ही अलग अलग सदस्य हैं। जैसा कि देखा जाता है, एक ही परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति द्वेष और बैर भाव रखते हैं। वे एक दूसरे को नीचा दिखाने और नुकसान पहुंचाने की सोचते रहते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य का नुकसान होने पर पूरे परिवार को ही नुकसान होता है, इसलिए परिवार में सबको मिलजुल कर प्रेम भाव से रहना चाहिए।